अब तक आपने देखा कान्हा के प्रेम में गोपियां हुई मंत्रमुग्ध और कान्हा ने दिखाई लीला, इस पर राधा हुई रुष्ट, किया नथुराम पहलवान को भ्रमित। ओफो नथु पहलवान जी, आप यहाँ मालिश पे मालिश कराए जा रहे हैं और वहाँ पूरे वृंदावन में चर्चा है तो कृष्ण आपको एक क्षण भर में हरा सकता है। उस कृष्ण का इतना दुस्साहस मुझे चुनौती देता है, मुझे नथु पहलवान को। उधर नंदराज के समक्ष आई एक नई समस्या। वो हमें 10 बीघा भूमि की आवश्यकता है। वहीं कान्हा के मित्रों और वृंदावन वासियों पर आई विपदा। तो तू है कृष्णा, बहुत समय से तुझे मैं ढूंढ रहा था। अब तू नहीं बचेगा कृष्णा। काना, इस पर तो हमारे वाल का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। मैं नेत्रासुर हूँ मूर्ख, तुम जैसे तुच्छ बालक मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम्हें मैं मकोड़ों की भांति सूक्ष्म बनाकर मसल के रख दूंगा। जितनी देर रक्षा कर सकते हो कर लो कृष्णा, मैं भी देखता हूँ मेरी शक्तियों के आगे तुम्हारा भाग्य कितनी देर तक टिक पाता है। अरे कायर, कहाँ छुपे हो, बाहर आओ। कृष्णा बाहर निकल, कब तक छिपेगा मुझसे, मेरे सामने आ। अरे कायर, कहाँ छिपा है तू, कृष्णा बाहर आ। अना ठीक है सर, सुरे तो अपने हाथ से कुछ भस्म कर रहा है। हाहाहाहा
कर ले कृष्णा, अब तू नहीं बचेगा। भागकर कहाँ जाएगा कृष्णा? मत बोल, तेरे सखा अभी तक मेरी शक्तियों से सूक्ष्म रूप में है। केवल मैं ही उन्हें पुनः बड़ा कर सकता हूँ और थोड़े समय पश्चात वो अदृश्य होकर समाप्त हो जाएंगे। दाऊ, हमें जल्दी करना होगा, हमारे पास समय बहुत कम है। हाँ गाना, फिक्र चलो। आप सभी बच्चे अब अपना अपना भोजन ग्रहण करें। ये सब क्या है यक्ष? ये सब हम कैसे खाएंगे? अपने मुख से और कैसे? और चाहिए होगा तो बताना, मैं और ले आऊंगा। इस यक्ष से तो समझदारी की आशा रखना ही बेकार है। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो इतनी बड़ी रोटियां भी खा जाऊंगा। तुम सबको सुरक्षित देखकर मुझे अच्छा लगा। आइए आइए प्रभु, आप भी हमारे साथ भोजन का आनंद लें। कान्हा, हमें भूख तो लगी है किंतु हम इतने बड़े बड़े रोटियां कैसे खाएंगे? उसकी चिंता मत करो यक्ष कुमार, इतनी बड़ी रोटियां मेरे मित्र कैसे खाएंगे? तनिक इन्हें छोटा करो। जैसी आज्ञा प्रभु, अभी लीजिए। कान्हा, कहीं उस असुर ने हमें भयभीत करने के लिए उन सब के अदृश्य होने की बात तो नहीं कही? जो भी हो दाऊ, किंतु हमें शीघ्र ही इन्हें पहले जैसे करना होगा। किंतु वो दैत्य है कौन कान्हा? वो जिस भी वस्तु को छूता है वो क्षण भर में भस्म हो जाती है। दाऊ, यदि मेरा संदेह सही है तो सभी वृंदावन वासी खतरे में है, और ऐसी शक्तियाँ केवल एक ही असुर के पास थी जिसको सिवाय स्वयं उसके कोई नहीं काट सकता था, और वो था भस्मासुर। वर्षों पहले की बात है, जिसने विशेष शक्तियां पाने के लिए महादेव की कड़ी तपस्या की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, यदि आप अब भी प्रकट नहीं हुए तो इसे क्षण मैं अपना मस्तक अपने धड़ से अलग कर दूंगा। ठीक है महादेव, यदि आपकी यही इच्छा है तो अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसका कारण केवल आप होंगे।
हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। मांगो, क्या मांगना चाहते? प्रभु, अमरत्व का वरदान, ताकि मुझे कोई मार न सके। ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम इसके स्थान पर कुछ और मांगो वर। तो ठीक है प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं, वो भस्म हो जाए। तथा अब तुम जिस पर भी हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, और तुम अब भस्मासुर के नाम से भी जाने जाओगे। सोच रहा हूँ अपनी नई शक्तियों का प्रयोग कर ही लूँ और उसका शुभारंभ आप पे ही करूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ महादेव? पीछे क्यों हट रहे हैं? अपनी दी हुई शक्तियों से कैसा भय? रुकिए महादेव। महादेव, महादेव। क्या ऐसा दुस्साहस? क्या स्वयं भस्मासुर ने महादेव को भस्म करने का प्रयत्न किया? फिर तो भस्मासुर को इसका परिणाम तुरंत मिल गया होगा। शिवजी ने उस दुष्ट राक्षस को मार दिया होगा ना? नहीं दाऊ, शिवजी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि महादेव ने स्वयं उनको वरदान दिया था। और दाऊ, यदि शिवजी भस्मासुर को मार भी देते तो उनके ऊपर अपने ही भक्त को मारने के कारण पाप चढ़ता। फिर शिवजी ने क्या किया काना? ये आपने क्या किया प्रभु? उस दुष्ट को वरदान देके आपने अपने लिए ही संकट उत्पन्न कर लिया है। तुम्हारी जितनी सुंदर नारी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। अब मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। भस्मासुर, अपनी सीमा में रह मूर्ख। मेरे शक्तियों की अब कोई सीमा नहीं है महादेव। तुझे भस्म करने के पश्चात मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगा। ऐसा दुस्साहस? क्या स्वयं भस्मासुर ने महादेव को भस्म करने का प्रयत्न किया? फिर शिवजी ने क्या किया कान्हा? ये आपने क्या किया प्रभु? उस दुष्ट को वरदान देके आपने अपने लिए ही संकट उत्पन्न कर लिया है। यदि शीघ्र ही उसे नहीं रोका गया तो वो तीनों लोकों में हाहाकार मचा देगा। महादेव, कहाँ भागे जा रहे हो? महादेव, मेरा सामना करो। महादेव, सुंदर, ते सुंदर, तुम्हारी जितनी सुंदर नारी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। अब मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। भस्मासुर, अपनी सीमा में रह मूर्ख। मेरे शक्तियों की अब कोई सीमा नहीं है महादेव। तुझे भस्म करने के पश्चात मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तो गाना, शिवजी ने अपनी तीसरी आँख खोलकर उसे भस्म क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि दाऊ, तीसरी आँख खोलने से मात्र वो ही भस्म नहीं होता, अपितु सारी सृष्टि का विनाश हो जाता। तो फिर महादेव ने क्या किया? बताओ ना गाना, बताओ ना। मैं बताता हूँ कैसे। बहुत भाग ले गाना, अब आनंद आएगा। नहीं ना तो पहलवान जी, मुझे जाने दीजिए, मुझे आपसे द्वंद नहीं करना। ये बात तो पहले सोचनी थी, मुझे चुनौती देने से पहले। अब तो पूरे वृंदावन वासियों के सामने मुझसे मल्ल युद्ध करना होगा। चलो दाऊ,
सभी मित्रों का ध्यान रखिएगा, मैं अभी आता हूँ। लो गांव वालों, प्रस्तुत है तुम्हारा साहसी कृष्ण, जिसने मुझे मल युद्ध के लिए चुनौती दी, मुझे नथु पहलवान को। कृष्णा तुम जीत सकते हो। रुक जाइए नथु पहलवान जी, मुझे आपसे द्वंद नहीं करना और ना ही आपको किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना चाहता हूँ। ये कहकर तो तुमने मुझ पर बड़ा उपकार कर दिया है कृष्ण, तुमने मुझे चुनौती दी है, किंतु मैं तुम्हारी चुनौती का उत्तर अवश्य दूंगा। कृष्ण नथु पहलवान जी, द्वंद से पहले आपको मेरा एक वचन मानना होगा। मूर्ख, तू कोई भी वचन लेने की स्थिति में नहीं है, परंतु बोल क्या बोलना चाहता है। द्वंद से पूर्व आपको मुझे पकड़ना होगा। इतनी सी बात, तू भाग कहां तक भागना चाहता है। कृष्ण सब कुछ ठीक तो है ना? अरे मेरा पैर, मेरा पैर! सुबह सुदामा, क्या तुम सब ठीक हो? ऐसा लग रहा है कि हम नष्ट हो रहे हैं। हमारी सहायता करो दाऊ। यदि ऐसे ही भस्म होते रहे तो शीघ्र ही सदैव के लिए लुप्त हो जाएंगे। धीरे चलो काना, हमारे मित्रों के प्राण संकट में है। अब तू बचकर कहां जाएगा कृष्ण? नहीं नथु पहलवान जी, मुझे जाने दीजिए। मैं ही सर्वश्रेष्ठ पहलवान हूँ, ये सिद्ध किए बिना तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। कुछ करो काना, हमारे पास समय नहीं है। हमारी सहायता करो यक्ष, मैं मरना नहीं चाहता। पिताजी को ले यक्ष, मैं भी मरना नहीं चाहता। प्रभु आप कहाँ हो? प्रभु आप कहाँ हो? कृष्णा, 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 कृष्णा! Krishna, 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 Krish
कृष्णा। प्रभु आप? वत्स, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो और इसीलिए मैं अपने भक्त से द्वंद कर उसे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाना चाहता। किसी को मेरी आवश्यकता है, मुझे जाना होगा। आपके दर्शन पाकर प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु अभी देखा, क्या वो सत्य था या फिर मेरा भ्रम? ये काना कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नहीं यक्ष कुमार, तुमने हर बार की भांति इस बार भी हमारी बहुत सहायता की है। वो सब तो ठीक है काना, किंतु अब हम क्या करें? निसंदेह कि उसी दैत्य ने किया है, तो फिर आप उसे रोके कैसे? नटराजन सामने आओ। अच्छा, तो कृष्णा ने मुझे मारने के लिए तुझे भेजा है? नहीं नहीं नित्रासुर, मैं तो आज तुमसे मित्रता करने आया हूँ। मैं तेरे छल में नहीं आने वाला बालक। ये कोई छल नहीं है नित्रासुर, मैं तो स्वयं से दंड देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके कारण सदैव मुझे लज्जित होना पड़ता है। मैंने सुना था कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, और यही सोच कर मैं यहाँ तुम्हारे पास आया था। मुझे नेत्रासुर की बात माननी होगी दाऊ, अपने मित्रों को बचाने के लिए मुझे नेत्रासुर के समक्ष जाना ही होगा। नहीं नहीं करना, ऐसा मत करना। यदि अगर तुमने समर्पण किया तो फिर वो नेत्रासुर तुम्हें भी भस्म कर देगा। जानता हूँ दाऊ, किंतु मेरे मित्रों के प्राण मुझे मुझसे भी अधिक प्रिय हैं। को भी एक कार्य करना होगा। नेत्रासुर, नेत्रासुर, कहो सामने। अच्छा, तो कृष्णा ने मुझे मारने के लिए तुझे भेजा है? नहीं नहीं नेत्रासुर, मैं तुमसे द्वंद करने नहीं आया हूँ, मैं तो आज तुमसे मित्रता करने आया हूँ। कृष्णा का भाई होकर मुझसे मित्रता? मैं तेरे छल में नहीं आने वाला बालक। ये कोई छल नहीं है नेत्रासुर, मैं तो स्वयं से दंड देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके कारण सदैव मुझे लज्जित होना पड़ता है। सभी कार्य मैं करता हूँ और वो बस बैठे बैठे मुर्गी बजाता है या फिर माखन खाता है। इसीलिए चुपचाप तुम्हारे पास आया हूँ मैं, ताकि मैं तुम्हें कान्हा का पता बता दूँ। किंतु इससे पहले तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। कहीं ये कोई छल तो नहीं बालक? मैंने सुना था कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, और यही सोच कर मैं यहाँ तुम्हारे पास आया था। किंतु तुम्हें तो मुझ पर विश्वास ही नहीं है।
ठहरो। क्या करना होगा मुझे? मैं तुम्हें कृष्ण का पता तो बता दूंगा, किंतु मैं पहले मेरे मित्रों को उनके वास्तविक रूप में लाना होगा। ठीक है, किंतु स्मरण रहे, यदि इसमें तनिक भी छल हुआ तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे मित्रों को मार डालूंगा। ठीक है नेत्रसुत, जैसा तुम कहो। बालक, तुम्हारे मित्र पूर्ववत हो चुके हैं, अब बताओ कहाँ मिलेगा मुझे कृष्णा? आज की रात्रि तेरी अंतिम रात होगी कृष्णा। जब मैं छोटा था तभी सब छोटा छोटा खाने को मिलता था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे एक बड़ी सी जलेबी चाहिए। अभी लीजिए। जलेबी दे दी कि मैं इसमें उलझ गया। तुम्हारा पता तो बता दिया, कहीं तुम दाऊ आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। और इस वक्त तो मुझे नेत्रासुर की चिंता कम और प्रेमा की चिंता अधिक हो रही है। बस दाऊ आपको एक कार्य करना होगा, आप जाकर उन दोनों के घर वालों के कान भर दीजिए बस। देखिए प्रभु, लड़का लड़की और लड़के के पिता तीनों आ गए हैं। अब समय आ गया है कि हम इनकी आंखें खोलें। बोलो प्रेमा, तुमने मुझे यहाँ वन में क्यों बुलाया है? मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, अभी तो तुमने यहाँ मुझे बुलाया है। अब जल्दी से बोलो क्या कार्य है, अगर किसी ने यहाँ मुझे देख लिया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। यक्ष कुमार, इन दोनों को तो मैंने यहाँ बुलाया है। अच्छा प्रभु, ये लड़का भी ना फिर इस मनुष्य प्रेमा से मिलने आ गया, क्या समझाया था तुझे? पिताजी आप यहाँ? आप ठीक है? दूर रहो मुझसे, बंद करो ये तुम्हारे ढोंग, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। और तुम देख रहा कितनी मनुष्य है ये लड़की, इसके आते ही मैं नीचे गिर गया। ये क्या चमक रहा है?
अरे ये तो स्वर्ण मुद्राएं हैं, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। देखा पिताश्री आपने, उस बाबा की भविष्यवाणी सच निकली, याद है ना आपको? इसे शीघ्र ही एक भाग्यवान लड़की मिलने वाली है, जिससे विवाह होते ही इसका भाग्य बदल जाएगा। उसकी पहचान ये होगी कि उससे भेंट होते ही मिट्टी से स्वर्ण मिलेगा। आप धनवान हो गए, प्रेमा ही मेरी किस्मत बदल सकती है। हाँ हो सकता है, किंतु इतनी शीघ्रता में कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं है, मुझे सोचने का समय चाहिए। हो सकता है ये एकमात्र सहयोग भी है। और तू चल अब यहां से। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। आई शरद पूनम कीरा, आई शरद पूनम कीरा, मधुबन में आज रचो महारास, मधुबन में आज रचो महारास। लगता है मेरा कान्हा मुझे पुकार रहा है। ये तो कान्हा की मुरली के स्वर है। अरे तुम सब कहाँ जा रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही राधा, वो कान्हा के मुरली के स्वर मुझे अपने पास बुला रहे हैं। कान्हा के मुरली के स्वर तो मुझे भी खींच रहे हैं। ये हरि के रूप कृष्णा की बांसुरी तो मुझे अपनी ओर खींच रही है, मुझे तो जाना ही होगा। आज तेरी मुरली ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी कृष्णा, मुझे पता चल चुका है। तू कहाँ है? मैं आ रहा हूँ। तुम तो आ गए, तुम्हारा अनुज नहीं आया।
यदि तुम मुझे बता दो कि वो कहाँ मिलेगा तो मैं तुम्हारी मृत्यु कम पीड़ादायक कर दूंगा। पीड़ा तो मैं तुझे दूंगा नेत्रासुर, कान्हा तक पहुँचने के लिए तुझे मेरा सामना करना होगा। और धुआ बालक, अब तू नहीं बचेगा। मधुबन में आज रचो महारास, मधुबन में आज रचो महारास। नाचे राधे का श्याम, गोपियों के संग नाचे राधे का श्याम। धरती गगन झूमे होके मगन, कुंजन में छाया है प्रेम का रंग, कुंजन में छाया है प्रेम का रंग। करे चंदा की किरणें प्रकाश, दासी बावरिया हुई मैं तो बस तेरी सावरिया हुई, मैं तो बस तेरी सावरिया हुई। रख ले मुझको तू चरणों के पास, शरद पूनम कीरा, आई शरद पूनम कीरा। मधुबन में आज रचो महाराज, मधुबन में आज रचो महाराज। हम सब इतनी रात्रि में यहाँ वन में कैसे आ गए? हमें तो अपने घर पर होना चाहिए। चलो चलो सभी घर चलो। हाँ हाँ चलो। हाँ चलो, चलो। कहाँ चली? नित्य का आनंद अधूरा छोड़कर आप कहाँ जा रही हैं? सब गोपियाँ अपने अपने घर जा रही है, हमें भी जाना है। गोपियों को घर जाने की आज्ञा है किंतु गोपेश्वर महादेव को नहीं।
स्वागत है महादेव। कहाँ जा रहे हो नेत्रासुर? आओ बालक आओ, तुम तो आ गए, तुम्हारा अनुज नहीं आया। यदि तुम मुझे बता दो कि वो कहाँ मिलेगा तो मैं तुम्हारी मृत्यु कम पीड़ादायक कर दूंगा। पीड़ा तो मैं तुझे दूंगा नेत्रासुर। मुझे आपकी उपस्थिति का भान आरंभ में ही हो गया था, किंतु मुरली के स्वर पर स्वयं महादेव को नृत्य करते देख उन्हें रोकना असंभव है। असंभव तो आपको भ्रमित करना है नारायण, परंतु मेरा कोई दोष नहीं। आपके मुरली के स्वर है ही इतने मनमोहक कि मैं स्वयं को रासलीला में सम्मिलित होने से रोक नहीं पाया। पांडा तक पहुंचने के लिए तुझे मेरा सामना करना होगा। बालक, अब तू नहीं बचेगा।